आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ एंड सो वेरी इम्पोर्टेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश एंड ग्रामर। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम जानते हैं देयर के रूल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसका जो स्ट्रक्चर है देयर प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम ये देखेंगे कि ट्रांसलेट कैसे करते हैं। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, तो इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्तों? 7 सदस्य हैं, देयर आर 7 मेंबर्स, 7 सदस्य हैं, देयर आर 7 मेंबर्स। अब कहां पर सदस्य हैं? मेरे परिवार में, इन माय फैमिली। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली। दूसरा, कुछ समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ समस्या है। कक्षा में 50 छात्र हैं, तो 50 छात्र हैं, देयर आर 50 स्टूडेंट्स कक्षा में, इन द क्लास। लास्ट में देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो शक नहीं है, देयर इज नो डाउट। अब किसमें शक नहीं? इसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, या आप कह सकते हैं इन इट, इसमें कोई शक नहीं है। अब हम बात करते हैं अगले रूल के लिए। तो हमारा नेक्स्ट रूल है देयर के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस टू बी प्लस अदर वर्ड्स। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको ये क्लियर करूंगा, यहां आपके लिए कुछ गलत हो सकता है। तो कुछ गलत हो सकता है, तो सकता है, इसके लिए हम बात करेंगे देयर मे बी, गलत हो सकता है, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत हो सकता है। अब किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू। यहां पर मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे मे बी, मस्ट बी, शुड बी, कैन बी, कुड बी, ये अलग अलग हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इसका हम यूज कर सकते हैं अर्थ के अनुसार। जैसे मेरे लिए एक पार्टी होनी चाहिए, तो चाहिए वो क्या बोलते हैं? शुड। देयर शुड बी होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए? पार्टी। देयर शुड बी अ पार्टी फॉर मी, मेरे लिए एक पार्टी होनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं टेंस में इसको कैसे यूज करते हैं। देयर प्लस सीम्स अपीयर्स प्लस अदर वर्ड्स। सीम्स अपीयर्स, जो कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में इट के साथ पढ़ाए थे, सीम माने और अपीयर्स माने प्रतीत होना, मतलब लगना, ऐसा लगता है यहां कुछ अच्छी खबर है, ऐसा लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। देयर सीम्स या देयर अपीयर्स, इसमें से कोई एक लगा लेंगे, ऐसा लगता है, देयर सीम्स टू बी समथिंग गुड न्यूज हियर, ऐसा लगता है टू बी समथिंग गुड न्यूज हियर, यहां कुछ अच्छी खबर है। इस तरह के सेंटेंस हम देयर से बना सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर मान लीजिए ये नेगेटिव होता है तो आप इसमें डज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। पास्ट होता है तो सीम्ड का प्रयोग कर सकते हैं, अपीयर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा लगता था, देयर सीम्ड, देयर अपीयर्ड, ऐसा नहीं लगता था, देयर डिड नॉट सीम, देयर डिड नॉट अपीयर। वैसे प्रेजेंट में देयर डज नॉट अपीयर, अर्थ के अनुसार आप इसको बदल सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं। आपके डाउट को क्लियर करने के लिए मैं कुछ और वीडियो भी बना दूंगा। धन्यवाद।